नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1971 में हुई जंग को 51 साल होने वाले हैं। यह वह युद्ध था जब भारत का साथ हर महाशक्ति ने छोड़ दिया था। अमेरिका और यूके पाकिस्तान की मदद करने को बेताब थे, लेकिन एक दोस्त ऐसा भी था जिसने भारत के साथ आकर अमेरिका और ब्रिटेन को करारा जवाब दिया था। रूस, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है, उसने इस जंग में जो कुछ किया उसकी मिसाल आज तक दी जाती है। बांग्लादेश की आजादी के लिए छिड़ी इस जंग में रूस के योगदान को भारत कभी नहीं भुला पाया है। शायद यही वजह है कि आज जब यूक्रेन के साथ जंग में पूरी दुनिया रूस के खिलाफ खड़ी है तो भारत ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। आप भी जानिए दोस्ती के इस कर्ज की कभी ना भूलने वाली इस कहानी को। सर, बच्चे तो आ रहे सर। हमारे रोमियो वाला इलाका में टैंक्स घुस गए, तो हमको बोला गया कि देखो तुम दोनों जाओ ये रामगढ़ एरिया तक देखो। वो जो लीविंग टैंक आ रहा था उसके दोनों तरफ से दो टैंक आके बहुत धूल उठा रहे थे। ट्रैक करके 900 यार्ड्स जब आया अंदाज में, तब मैंने रॉकेट को फायरिंग किया। मेरा नंबर टू उधर से बोला डायरेक्ट हिट। भारत और रूस ने 9 अगस्त 1971 को शांति और दोस्ती संधि साइन की थी। रूस उन दिनों सोवियत संघ का हिस्सा था। इस संधि ने ही पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में जीत की आधारशिला रखी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर 1971 को जंग का आगाज हुआ था। युद्ध से पहले भारत के सामने असाधारण तौर पर शरणार्थियों का बोझ था। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन पाकिस्तान के साथ जा खड़े हुए थे। सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ वह देश था जो भारत की मदद कर सकता था। उस समय भारत के विदेश मंत्री सरदार सुवर्ण सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रेई ग्रोमदियो ने इस संधि पर साइन किए थे। इस संधि की वजह से भारत पाकिस्तान को मिलने वाली संभावित अमरीकी और चीनी मदद को रोक सका था। टास्क फोर्स 74 जो एक नौसैनिक बल था, इसका गठन 2 बार किया गया था। पहली टास्क फोर्स 74 में रॉयल नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमरीकी नौसेना के जहाज भी शामिल थे। इन सेनाओं ने सन 1943 और 1945 में जापानी सेनाओं के खिलाफ मोर्चा संभाला था। दूसरी टास्क फोर्स 74 का गठन अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े से हुआ था। इस टास्क फोर्स को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने बंगाल की खाड़ी में तैनात कर रखा था। दिसंबर 1971 में इनकी तैनाती उस समय हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चरम पर थी। सोवियत संघ उस समय सक्रियता से भारत के साथ जुड़ा था। वह राजनीतिक और सैन्य स्वरूप में युद्ध के दौरान मदद कर रहा था। रूस ने 2 ग्रुप में वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर को तैनात कर रखा था। इसके अलावा परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी को भी तैनात किया था। इस तैनाती का मकसद अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी को जवाब देना था। भारत और रूस के बीच जो संधि हुई थी उसकी मदद से पाकिस्तान को मिलने वाली चीनी मदद पर भी लगाम लग सकी थी। पाकिस्तान के नेतृत्व को यह बात समझ में आ चुकी थी कि पूर्वी पाकिस्तान में भारत का हस्तक्षेप रोकना असंभव है। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया तो भारत पाक के बीच युद्ध का आगाज हो गया था। 5 दिसंबर को अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की कोशिश की गई, लेकिन सोवियत संघ की तरफ से वीटो की मदद से इन्हें असफल कर दिया गया। 8 दिसंबर 1971 को अमेरिका को इंटेलिजेंस मिली कि भारत पश्चिमी पाकिस्तान पर आक्रामक होने की योजना बना रहा है। अमेरिका ने इस इंटेलिजेंस के बाद टास्क फोर्स 74 को दक्षिण वियतनाम से बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था। टास्क फोर्स का नेतृत्व अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस इंटरप्राइज कर रही थी। यह उस समय दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। 75,000 टन की यह वॉरशिप परमाणु ताकत से चलने वाला कैरियर था, जिस पर 70 एयरक्राफ्ट तैनात थे। भारत के पास 20,000 टन वाला INS विक्रांत था, जिस पर 20 फाइटर जेट्स मौजूद थे। इसी समय ब्रिटेन ने भी अरब सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल तैनात कर दिया था। ब्रिटेन और अमेरिका की योजना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भारत पर त्रिकोणीय हमला करने की थी। दोनों ने यहां तक उम्मीद की थी कि चीन भी भारत पर हमला करेगा। भारत घिर चुका था और उम्मीद बस रूस था।
भारत ने चुपचाप रूस से उस संधि का गुप्त नियम सक्रिय करने के लिए कहा, जिसके तहत किसी भी बाहरी आक्रमण के दौरान रूस को हर हाल में भारत की रक्षा करनी ही पड़ेगी। रूस ने परमाणु हथियार से लैस बेड़े को 13 दिसंबर को व्लादिवोस्तोक से रवाना कर दिया। इसे एडमिरल व्लादिमीर कुरागलियोव कमांड कर रहे थे। वे रूस के प्रशांत बेड़े के 10वें ऑपरेटिव बैटल ग्रुप के कमांडर थे। रूस के इस बेड़े में अच्छी खासी संख्या में परमाणु जहाज और पनडुब्बियां थी। उनके पास मिसाइलें कम रेंज की थी और वह 300 किलोमीटर तक ही जा सकती थी। ऐसे में ब्रिटेन और अमेरिका के बेड़े की तरफ से हमले का खतरा भी बढ़ गया था। रूस की मदद के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के होश उड़ गए थे। रूस ने ब्रिटिश कैरियर बैटल ग्रुप के कमांडर एडमिरल डिमोन गोर्डन के मैसेज को इंटरसेप्ट किया था। इस मैसेज में वह 7वें बेड़े के कमांडर से कह रहे थे, सर हमें बहुत देर हो गई है, आसपास रूस के परमाणु पनडुब्बियां और कई वॉरशिप है। ब्रिटिश जहाजों को मेडागास्कर में ही रोक दिया गया और अमेरिकी टास्क फोर्स को बंगाल की खाड़ी में एंट्री ही नहीं मिल पाई। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।